बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन। हम आज डिस्कस कर रहे हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। जो हमारे पास आज सबसे अहम टॉपिक है वो है कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन। हम सेकंड ईयर एफएससी की बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है वो है कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एंड ओनली फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। क्या मतलब पहली जो पहली कंडीशन है इसको समझें, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। इसका मतलब है कि जो आपके पास फंक्शन है वो पॉइंट सी पे क्या हो, डिफाइंड हो। डिफाइंड का मतलब है कि आपके पास इस तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना आए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स यानी आपके जो पास एफ ऑफ एक्स है वो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म में ना आए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में ना आए, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म में ना हो, वन की पावर इन्फिनिटी ना हो, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में ना आए, ज़ीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी ना हो और इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो ना हो, ज़ीरो की पावर ज़ीरो। यानी आपके पास इस तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आने चाहिए। आपके पास जो फंक्शन एफ ऑफ सी है वो हमेशा डिफाइंड हो, यानी इनमें से कोई फॉर्म नहीं आने चाहिए। आपके पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म ना आए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आनी चाहिए, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म ना आए, वन की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ज़ीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो, ज़ीरो की पावर ज़ीरो। अगर तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए तो इनमें से कोई फॉर्म भी आपके पास नहीं आनी चाहिए। तो अगर इनमें से कोई फॉर्म भी नहीं आएगी तो आपके पास जो फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा, डिफाइंड होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ये अभी आपने पढ़ा है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, वो क्या थी कि लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ये भी थोड़ा सा आप क्लियर कर लें। अगर तो आपके पास फंक्शन पीस वाइज हो, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था एफ ऑफ एक्स वो आपके पास था सेवन माइनस एक्स या थ्री एक्स एक्स इफ़ टू लेस इक्वल टू एक्स, एक्स लेस इक्वल टू फोर, फोर लेस इक्वल टू एक्स, एक्स लेस इक्वल टू सिक्स इफ़ सिक्स लेस इक्वल टू एक्स, एक्स लेस इक्वल टू एट। अगर तो आपके पास फंक्शन क्या हो, पीस वाइज हो। अगर आप देखें तो ये फंक्शन तीन सब फंक्शन में डिवाइड है। जो पहला फंक्शन उसकी डोमेन टू से फोर है, जो सेकेंड फंक्शन उसकी डोमेन फोर से सिक्स है, जो तीसरा फंक्शन है उसकी डोमेन सिक्स टू एट है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ इस फंक्शन के तीन सब फंक्शन हैं। इसको ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन। अगर आपके पास जो फंक्शन है वो पीस वाइज फंक्शन हो तो फिर हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक किया करेंगे और राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी तो जो फंक्शन है, जो आपके पास फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये हमारे पास थी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास लिमिटिंग वैल्यू बराबर हो फंक्शनल वैल्यू। पहले इसको समझे ज़रा। आपके पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स टू एक्स प्लस थ्री एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। आप नोट करेंगे कि फंक्शनल वैल्यू क्या है और लिमिटिंग वैल्यू क्या है। देखें अगर तो आप इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू थ्री, इसका मतलब है कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, नॉट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। अगर ये एक्चुअल वैल्यू यहाँ पुट करें आप एफ ऑफ थ्री टू इंटू थ्री प्लस थ्री, आंसर क्या आएगा, नाइन। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू जो होती है हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसको एग्जैक्ट वैल्यू भी बोलते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू। ये हमारे पास फंक्शनल वैल्यू कहलाती है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री टू एक्स प्लस थ्री, देखें आप ये एक्चुअल वैल्यू थ्री नहीं है, ये वेरी क्लोज टू थ्री है। या तो ये थ्री से मामूली सी कम हो सकती है या थ्री से मामूली सी ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ पुट करें आप टू इन टू थ्री प्लस थ्री, तो आंसर क्या आ गया, नाइन। अब आप देखें ये जो नाइन आंसर आया, जो एक्चुअल आंसर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, यानी क्लोज टू नाइन है। तो जिसको हम लिखते हैं अप्रोक्सीमेट नाइन।
तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। और ये नोट कर लें, जो लिमिटिंग वैल्यू होती है ये हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़। ये आपके पास लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है और ये आपके पास क्या है, फंक्शनल वैल्यू है। अगर लिमिटिंग वैल्यू बराबर आ जाए फंक्शनल वैल्यू के तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। इसका मतलब है कि मैथ एक सीक्वेंस का नाम है, मैथ हमेशा सीक्वेंस में चलता है। अगर पहली कंडीशन होल्ड होगी करेगी तो हम दूसरी चेक करेंगे, दूसरी होल्ड करेगी तो हम तीसरी चेक करेंगे। अगर कोई फंक्शन डायरेक्ट तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो मस्ट है कि वो दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करता है, वो पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करता है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका क्लैरिफिकेशन दे दूं, पहली कंडीशन हम चेक नहीं किया करेंगे। क्यों, क्या वजह उसकी? क्योंकि जब भी आपको फंक्शन दिया होगा साथ लिखा होगा फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन हमेशा डिफाइंड आपको दिया होगा। सेकंड कंडीशन जब कब चेक करेंगे, जब आपके पास फंक्शन पीस वाइज होगा। सेकंड कंडीशन उस वक्त चेक करेंगे जो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये उस वक्त चेक करेंगे जब फंक्शन पीस वाइज होगा। थर्ड कंडीशन कब चेक करेंगे, यानी अगर फंक्शन पीस वाइज नहीं है फिर दूसरी भी चेक नहीं करेंगे। पहली तो हम कभी भी चेक नहीं करेंगे, दूसरी हम जब फंक्शन पीस वाइज नहीं होगा तो फिर हम दूसरी कंडीशन भी चेक नहीं करेंगे, फिर हम डायरेक्ट तीसरी कंडीशन चेक करेंगे। जो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है तो देख ले, ये फंक्शन पीस वाइज नहीं है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये फंक्शन पूरी डोमेन पे डिफाइन है, ये फंक्शन है पूरी डोमेन पे डिफाइन है। अगर तो फंक्शन ऐसे सब डोमेन पे डिफाइन हो तो वो फंक्शन पीस वाइज होता है, अगर वो पूरी डोमेन पे डिफाइन है वो फंक्शन पीस वाइज नहीं होता। इसका मतलब फंक्शन पीस वाइज नहीं है तो इसका मतलब है पहली कंडीशन भी मैं चेक नहीं करूँगा, दूसरी भी चेक नहीं करेंगे, फिर कौन सी चेक करेंगे, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो देखें, वी डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो पहले वन पे मैंने इसकी चेक की लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि जब आप लिखते हैं अप्रोक्सीमेट इसका मतलब है नॉट एक्चुअल वन बट वेरी क्लोज टू वन। तो अब आप देखें हमारे पास क्या फंक्शन है, 3x² - 5x + 5। अब एक्स देखें किसको अप्रोच करता है, वन को, तो एक्स की जगह पे मैंने वन रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, टू। इसका मतलब है जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या है, टू। अब देखें मैंने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, एक्स इज इक्वल टू वन, मैंने एक्चुअल यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पुट की यहाँ पे वन, तो 3 × 1 - 5 + 4 आंसर क्या आया, टू। ये इसकी क्या कहलाती है, फंक्शनल वैल्यू, जिसको हम एग्जैक्ट वैल्यू भी बोलते हैं। अब आप देखें लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों क्या हैं, बराबर। ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड। देखें सी की जगह पे हमारे पास अब क्या दिया है, वन, तो देखें ये कौन सी कंडीशन होल्ड की इसने, तीसरी, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है, किस पॉइंट पे है, वन पे। दोबारा क्लियर कर लें, थर्ड कंडीशन उसी वक्त चेक करेंगे जब फंक्शन पीस वाइज नहीं होगा। अगर फंक्शन पीस वाइज होगा तो फिर आप दूसरी कंडीशन भी चेक किया करेंगे, तीसरी कंडीशन भी चेक किया करेंगे। हम इसको आसान कर देते हैं, बिल्कुल इंतहाई आसान कर देते हैं, एक नोट की फॉर्म में। अगर आपके पास फंक्शन पीस वाइज है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, नोट लिखवा देते हैं आपको, ये आसान काम हो जाएगा आपका। इफ एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट, बराबर आ जाए फंक्शनल वैल्यू, अगर ये तीनों कंडीशन इक्वलिटी में आ जाएं तो जो हमारे पास फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, f(x)(x²-9)/(x-3) इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 3। आगे लिखा हुआ है f(x)(6) इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ ये बात देखें समझने वाली है, मैंने कहा था पहली कंडीशन थी कि f(c) इज डिफाइंड, तो मैंने बताया था कि जो आपके पास फंक्शन होगा वो हमेशा डिफाइंड होगा। देखें अगर यहाँ लिखता है x इज इक्वल टू 3 तो इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म आनी थी,
जीरो ओवर जीरो फॉर्म, तो उसने क्लियर कर दिया, कंडीशन लगा दी इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी होगी या एक्स की वैल्यू थ्री से छोटी होगी, एक्स की वैल्यू कभी भी थ्री नहीं होगी। और आप देखें यहाँ लिखा हो एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो हमने बोला था कि जब इक्वल का साइन हो तो ये कैसी, ये एक्चुअल वैल्यू होती है, इसका मतलब है एक्स इज इक्वल थ्री पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, थ्री है। पहले हम फंक्शनल वैल्यू फंक्शन में पुट करके, ऐसे पुट करके हम निकालते थे, अब ये वैल्यू हमें पहले ही गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है कि जब एक्चुअल वैल्यू एक्स की थ्री है तो फंक्शनल वैल्यू क्या है, सिक्स है। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि ये फंक्शन पीस वाइज नहीं है, तो हमारे पास तीसरी कंडीशन क्या थी कि लिमिटिंग वैल्यू एट सी इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। अब देखें सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, थ्री, तो हम चेक करेंगे पहले लिमिटिंग वैल्यू एट थ्री एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स प्रो थ्री, हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्केयर माइनस नाइन ओवर एक्स माइनस थ्री। तो देखें एक्स स्केयर माइनस नाइन के फैक्टर आएंगे एक्स माइनस थ्री इन टू एक्स प्लस थ्री, तो फैक्टराइजेशन की एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कैंसल, लिमिट एक्स प्रो जो थ्री एक्स प्लस थ्री, थ्री एक्स यहाँ पर क्या रिप्लेस कर दिया, थ्री, थ्री प्लस थ्री क्या आ गया, सिक्स। अब देखें फंक्शनल वैल्यू, देखें यहाँ भी आगे पास इक्वल का साइन होगा, उसके सामने जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा आगे पास फंक्शनल वैल्यू होगी, इसका मतलब जब आप एक्स को थ्री वैल्यू देंगे तो फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी, सिक्स। अब आप देखें हमारे पास फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या है, बराबर, इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू और इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो आप गौर करें लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या है, बराबर, तो इसका मतलब हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इजिकल टू थ्री। एग्जाम्पल नंबर फाइव है, हम डिस्कस करेंगे कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इजिकल टू थ्री। अगर आप देखें तो ये हमारे पास फंक्शन क्या है, पीस वाइज, तो मैंने बताया था कि अगर फंक्शन पीस वाइज हो तो आप सिंपल सा काम कर लिया करें, लेफ्ट हैंड लिमिट एट थ्री इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट थ्री इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट थ्री। अगर तो ये तीनों चीज़ें बराबर आ गईं तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टीन्यूअस। पहले हम डिस्कस करेंगे, वही डिस्कस दी कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, किस पे हमने डिस्कस करना है, थ्री पे, थ्री पे लेफ्ट हैंड, इसका मतलब है थ्री से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है, ये देखें एक्स लेस देन थ्री, थ्री से छोटी के लिए फंक्शन कौन सा है, एक्स माइनस वन, यहाँ एक्स की वैल्यू थ्री रिप्लेस करें, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू। बड़ा ये साथ नेगेटिव नहीं लिखें, ये नेगेटिव सिर्फ शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, थ्री से बड़ी वैल्यू, तो थ्री के, थ्री से बड़ी के लिए फंक्शन कौन सा है, टू एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू यहाँ थ्री रिप्लेस कर दें, टू इंटू थ्री प्लस वन क्या आ गया, सेवन। देखें लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आगे आपको फंक्शनल वैल्यू चेक करने की जरूरत कोई नहीं है। देखें मैथ की यहाँ पे भी कंडीशन कोई फॉल्स हो जाए तो वहीं पे आप रुक जाएं, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब है कॉन्टीन्यूअस तो बहुत बात की बात है, ये फंक्शन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कौन सी कंडीशन थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये फंक्शन कभी भी कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा पॉइंट थ्री पे।